महाकाल का मतलब क्या है? काल शब्द के दो अर्थ हैं। काल का अर्थ होता है समय और काल का अर्थ अंधेरा भी होता है। समय यानी कि आपके वर्तमान अनुभव में समय का मतलब चक्र होता है, आणविक से लेकर ब्रह्मांडीय तक, एक अणु से लेकर विशाल ब्रह्मांड तक, सभी चीजें चक्रों में घूमती हैं। पृथ्वी एक बार घूमती है तो उसे हम एक दिन कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाता है तो उसे हम एक महीना कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसे हम एक साल कहते हैं। नींद और जगने के चक्र, खाने, पाचन, भूख के चक्र, इस तरह बहुत सारे चक्र हैं। चीजों की चक्रीय गति से ही आपको समय का आभास होता है। अगर चक्रीय गति नहीं होती, अगर सृष्टि में चक्र नहीं होते, अगर भौतिकता नहीं होती, तो आपको समय का अनुभव नहीं होता। यानी कि समय भौतिक अस्तित्व के जरिए व्यक्त होता है। भौतिक अस्तित्व एक विशाल अनस्तित्व की गोद में घटित हो रहा है, जिसे अंग्रेजी में स्पेस या अंतरिक्ष कहते हैं। यहां हम उसे काल या अंधकार कहते हैं। हम अंतरिक्ष को अंधकार इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप प्रकाश को देखना चाहते हैं तो या तो आपको प्रकाश के स्रोत को देखना होगा या किसी ऐसी चीज को जो प्रकाश को रोकती हो, वरना आपको प्रकाश का कोई अनुभव नहीं होगा। आप सूर्य और चंद्रमा को देखते हैं। सूर्य प्रकाश का स्रोत है, चंद्रमा प्रकाश को परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्ट करता है। बीच में सब अंधकार है मगर रोशनी गुजर रही है। अस्तित्व का मूल आधार है काल या समय, क्योंकि समय के कारण ही स्थान की गुंजाइश है, वरना स्थान का अस्तित्व नहीं होता। इसलिए स्पेस को काल या अंधकार कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष अंधकारमय है। अगर आप समय का अनुभव करते हैं भौतिकता के परे या भौतिकता की सीमाओं से परे, तो ऐसे समय को हम महाकाल कहते हैं। महाकाल वो गोद है जिसमें सृष्टि के छोटे छोटे कण यहां वहां मौजूद हैं, बाकी सब खालीपन है। इस फैले हुए ब्रह्मांड में करीब 99% खालीपन है। विशाल आकाश गंगाएं चक्कर लगा रही हैं, मगर उनका 99% खालीपन है। इसलिए महाकाल की गोद में ही सृष्टि घटित होती है। अगर आप सृष्टि के सीमित कणों से जुड़े हुए हैं तो आप समय का अनुभव चक्रीय गति के रूप में करते हैं। इस आयाम को संसार कहा जाता है, जिसका अर्थ है चक्रीय गति। अगर आप इसके परे चले जाते हैं तो इसे हम वैराग्य कहते हैं, यानी कि आप पारदर्शी हो गए हैं। जब आप पारदर्शी होते हैं तो आप रोशनी को नहीं रोकते। रोशनी को न रोकने का अर्थ है कि आप जीवन की बाध्यकारी प्रकृति या चक्रीय गति से मुक्त हो गए हैं। जीवन की चक्रीय गति से मुक्त होने को मुक्ति
या मोक्ष प्राप्त कर लेना कहा जाता है। इसलिए जो लोग मुक्ति या मोक्ष की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह आयाम, जिसे हम महाकाल कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सिर्फ संस्कृति से जुड़ी हुई चीज नहीं है, इसमें एक विज्ञान है। उस कृपा क्षेत्र में होने पर इस महाकाल रूप की मौजूदगी में जब आप वहां जाते हैं तो सब कुछ खत्म, सब कुछ जलकर राख हो जाता है। इसका अर्थ है कि आप भौतिक से मुक्त हो गए हैं। वो रूप आपको अपनी परम मुक्ति, मोक्ष की ओर ढकेलता है।